ये नुकीला क्यों है? कितना बिजली का उत्पादन होता है? ये जो हमारी टरबाइन है वो हमारी फ्यूचर की असेंबली का एक प्रोटोटाइप है कि हमारा सबसे पहला मशीन है ये। 4000 घरों को बिजली एक टरबाइन हमारी दे सकती है। अभी आपको स्क्रीन पे घूमती हुई पवन चक्की दिखाई दे रही होगी, इसको विंडमिल कहते हैं अंग्रेजी में। एक बड़ा सा विंडमिल है और हम यहाँ मुंद्रा पोर्ट पे आए थे स्टोरी करने के लिए, कवर करने के लिए। तो हमें लगा कि आपको इस विंडमिल के बारे में भी बताना चाहिए कि ये कैसे बिजली बनाता है। तो हम यहाँ चले आए विंडमिल के पास में, और ये जितना फिल्मों में दिखता है, जैसे आप फिल्मों में गानों की शूटिंग में देखते हैं, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। और मैं जब यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे इसकी आवाज़ भी अच्छे से सुनाई दे रही है कि जो ये हवा को काटते हुए चल रहा है, इससे बिजली बनाई जाती है। तो हमको एक भाई साहब मिले यहाँ पे, आपका क्या नाम है सर? नमन। नमन, तो नमन जी हमको बताएंगे कि ये विंडमिल, जैसे आपने हमारा एक वीडियो देखा होगा कोयले से कैसे बिजली बनती है, तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि इस विंडमिल से कैसे बिजली बनती है। तो नमन उसमें हमारी हेल्प करेंगे। नमन, पहले तो आप ये बताइए कि आप इसके इंजीनियर हैं? जी, इसकी जो असेंबली हुई थी उसका मैं हिस्सेदार था। अच्छा, आ जाइए, माइक में पकड़े हुए। सहयोग दिया था। अच्छा, आपने इसका सहयोग दिया था। आप हमको थोड़ा सा ये जो है इस विंडमिल के बारे में बताइए, कैसे काम करता है। पहले इसकी हाइट बताइए, कितना ऊंचा है, जितना दूर से दिखता है ये तो बहुत मोटा है पिलर, और इसकी पंखियां बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो कितना हाइट है इसकी? जो टावर आप इसका देख रहे हैं, हाँ, उस टावर की ऊंचाई 120 मीटर है। 120 मीटर? जी। जो ब्लेड आप देख रहे हैं, जो तीन पंखियाँ, उनका जो सेंटर है वो भी मतलब 120 मीटर की ऊँचाई पर है सतह से। और जो ब्लेड, जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है, जब वो ब्लेड आप देखेंगे वो टावर के सी लाइन में आ जाता है, तब उसकी हाइट हो जाती है 200 मीटर, क्योंकि जो हमारा ब्लेड है उसकी 78 मीटर लेंथ है। मतलब 120 मीटर का मतलब इसे 3 से 4 मीटर का एक माला होता है, एक फ्लोर होता है जी। तो अगर हम ये मान लें कि ये 40 फ्लोर की बिल्डिंग के बराबर होगा? जी ज़रूर, 40 फ्लोर की बिल्डिंग के बराबर ये पिलर है। और ये जो इसकी पंखियाँ हैं जो 78 मीटर बता रहे हैं, तो आप उसको मानिए कि वो 20 से 25 फ्लोर की जो एक इमारत होती है, उतनी बड़ी ये पंखी है। आपको भले कैमरे में ये ना समझ में आए, लेकिन हमको यहाँ से अगर आप इसको देखेंगे अच्छे से तो समझ में आएगा, ये उतने बड़े पंखे हैं और ये दिन भर ऐसे घूमते रहते हैं। और ये बताइए कि ये इससे क्या बिजली कैसे बनाई जाती है? बिजली इससे इस प्रकार बनाई जाती है कि जब वो हवा का बहाव होता है तो फिर ये चलते ब्लेड जो होते हैं, हाँ, उनका एक स्ट्रक्चर होता है, एरोफॉइल स्ट्रक्चर, जिससे लैमिनार फ्लो जो रहता है, हाँ, उसको मैक्सिमाइज किया जाता है। हाँ, जैसे भी विंड बहती है, हाँ, तो फिर उसमें एक्चुअली होती है काइनेटिक एनर्जी। अच्छा। काइनेटिक एनर्जी को सबसे पहले एक कन्वर्ट किया जाता है मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी, ये जो ब्लेड आप देख रहे हैं ये उतने एक मिनट में उतनी बार नहीं घूमती है जितनी बार अपनी जनरेटर को ज़रूरत होती है एक्चुअली। अच्छा। जो जनरेटर, जैसे आपने पहले कोल के प्लांट के बारे में कहा, कोल के प्लांट में भी जनरेटर तो ज़रूर होता ही है। हाँ। उस जनरेटर के से भी एक टरबाइन कनेक्टेड होता है। अच्छा। और उस टरबाइन की जो वेलोसिटी होती है वो भी हजारों आरपीएम में होती है, लेकिन जो आप ये ब्लेड देख रहे हैं वो हजारों आरपीएम की गति से नहीं घूम रहा है, तो उसके लिए बीच में एक गियर बॉक्स होता है जो उस गियर बॉक्स को, इस रेवोल्यूशंस को बढ़ा देता है, और फिर जनरेटर जो रहता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अच्छा, ये थोड़ा हमको और आसान भाषा में बताइए कि जैसे ये, पहले हमको इसके इस पंखे के बारे में बताइए, जैसे ये इस पंखे में मैं देख पा रहा हूँ थोड़ा नुकीला सा है जी, ये नुकीला क्यों है? ये नुकीला एक्चुअली, ये जब इसकी टिप के पास आप जाइएगा तो ताकि जो बहाव है उसको, रेजिस्टेंस को कम कर सके, इसलिए ही कि हाँ हाई टू लो प्रेशर जो है तो इसका कंटिन्यूस रिवॉल्यूशन भी होता रहे। कंटिन्यूस रिवोल्यूशन होता रहे। तो ये जो है एक समंदर का किनारा, गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की जो खाड़ी है जहाँ पे मुंद्रा पोर्ट है, उसी पोर्ट के उसी मुंद्रा प्रमाइसिस के अंदर जो है ये एक विंडमिल लगी, और इस तरीके के 6 विंडमिल और भी लगी हुई हैं जो काफ़ी बड़ी हैं। तो इससे कितना बिजली का उत्पादन होता है?
ये जो हमारी टरबाइन है वो हमारी फ्यूचर की असेंबली का एक प्रोटोटाइप है कि हमारा सबसे पहला मशीन है ये। इसकी क्षमता 5.2 मेगावाट है। 5.2 मेगावाट यानी कि एक घंटे में अगर ये पीक कैपेसिटी पे घूमे तो 5.2 मेगावाट यूनिट्स बिजली ये प्रोड्यूस करेगी। अच्छा जी, 5.2 मेगावाट्स का अगर हम समझें इस तरीके से, एक घंटे में इतनी बिजली देगा कि एक अच्छे खासे गांव को ये रोशन कर सकता है। जी जी, एक साल के लिए अगर देखा जाए तो फिर जो हमारा अनुमान था उससे 4,000 घरों को बिजली एक टरबाइन हमारी दे सकती है। एक टरबाइन 4,000 घरों को बिजली दे सकती है। जो एवरेज पर कैपिटा कंजम्पशन होता है पर हाउस होल्ड का, इस हिसाब से देखा जाए तो 4,000 घरों को। 4,000 घर। अब जैसे ये, अब थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे ये आप समंदर किनारे पे अच्छी हवा चलती है तेज़ जी, तो ये उन्हीं जगहों पे लगाया जाता है जहाँ हवा का फ्लो बढ़िया रहे। बढ़िया रहे जी। तो अब जैसे ये दिन भर ऐसे घूमेगा जी, हाँ, तो ये कितनी बिजली प्रोड्यूस करेगा पूरे दिन में? ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि मौसम कौन सा है। अच्छा। और मौसम के हिसाब से हवा का बहाव भी बदलता रहता है। अच्छा। तो जो 5.2 मेगावाट है वो कंटिन्यूस सप्लाई नहीं रहेगा, वो हवा के बहाव पे डिपेंड करेगा कि हवा उस टाइम पे कितनी है जी। 5.2 तो ये मान लीजिए हवा से बिजली बन रही है तो अंदर क्या टरबाइन लगी हुई है? जी हाँ जी हाँ, मतलब मेन शाफ्ट है जो गियर बॉक्स से कनेक्टेड है, और गियर बॉक्स में जो है जो ये 8 से 10 या 10 से 12 जो रिवॉल्यूशन एक ब्लेड का रहता है एक मिनट में, हाँ, उसको वो गियर बॉक्स हायर अप कर देते हैं, एक्सेलरेट इन द सेंस स्टेप अप कर देते हैं, हाँ, जिससे वो 1000 से 1500 रिवॉल्यूशन पर मिनट से घूमे, हाँ, ताकि जो जनरेटर है, हाँ, वो उसी फ्रीक्वेंसी को फिर बाद में बिजली प्रोड्यूस करे। तो इसकी जो ये मान लीजिए पंखा चला इसने टरबाइन से जैसे बिजली बनी, तो इकट्ठा कहाँ होती है बिजली? इकट्ठा एक्चुअली ये बिजली कहीं होती नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे एसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एसी इलेक्ट्रिसिटी को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। वो जैसी प्रोड्यूस होती है उसे हमें ट्रांसफ़र करना रहता है, तो इसीलिए हमारा जो टरबाइन है इसमें ट्रांसफार्मर ऊपर नहीं है, तो इसमें पावर केबल जो है, हाँ, वो आती हैं ट्रांसफार्मर में, और ट्रांसफार्मर इस बिजली को वापस एक बार स्टेप अप करते हैं ताकि वोल्टेज लेवल को हाई करें और करंट को कम करें, ताकि जो नुकसान होता है करंट के लॉस के कारण वो कम हो सके। तो ये जो पीछे बक्सा टाइप का दिख रहा है अमितेश, अगर थोड़ा उधर से अगर ये दिख रहा है इसमें बक्सा आपको दिख रहा है ये? जी, अगर ये आप ये पीछे जो पंखे के पीछे लगा हुआ है, जी ज़रूर, ये क्या है? उसे हम नेसल कहते हैं। हाँ। उस नेसल के अंदर काफ़ी की कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि सबसे पहले हब जो है वो मेन शाफ्ट से कनेक्ट होता है, मेन शाफ्ट जो है वो बाद में गियर बॉक्स से कनेक्ट होता है, और गियर बॉक्स जो है वो बाद में जनरेटर से कनेक्ट होता है, और उसी के साथ काफ़ी सारे पैनल्स रहते हैं, लो वोल्टेज यूनिट पैनल्स, और सब काफ़ी सारे सेंसर्स रहते हैं जो मेन शाफ्ट और गियर बॉक्स से कनेक्टेड रहते हैं, जो काफ़ी सारी चीज़ों को मॉनिटर करते हैं कि अभी विंड स्पीड कितनी है, कि हमें उसको किस तरीके से अभी और आगे कंट्रोल करना है, ताकि एक समान सा फ्लो ज़्यादातर समय हमें मिला करे। तो आप जैसे इसमें तार वार तो हमको कहीं दिख नहीं रहा लगा हुआ, तो बिजली जाती कैसे यहाँ से? बिजली तारे जो हैं वो अगर आप इस टावर के अंदर जाएंगे तो फिर कुछ ऊंचाई तक तो आपको सीढ़ियों से जाना पड़ेगा बाद में, लेकिन लिफ्ट रहेगी, तो इसके बीच में ही आप देखेंगे सारे जो बिजली की तारे रहेंगी जो यहाँ अंडरग्राउंड होके ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है। तो इसके अंदर आप लोग जाते हैं ऊपर तक? जी हाँ, ज़रूर जाते हैं। अच्छा जी, ये इसके अंदर लिफ्ट लगी हुई है? लिफ्ट शुरुआत से नहीं है, थोड़ी ऊंचाई तक तो आपको सीढ़ियों से जाना पड़ेगा, लेकिन बाद में आप लिफ्ट से जा सकते हैं। ऐसे हर टरबाइन में होता है या फिर इसी में है? हर ऐसे ये विंडमिल में होता है या? वो डिज़ाइन पर डिपेंड करेगा। डिज़ाइन पर डिपेंड जी। ये नई डिज़ाइन का है? जी हाँ। कब लगा है ये? अभी 2-3 महीने ही हुए हैं इसे लगे। तो ये कहाँ बना? ये बना उस प्लांट में है जो आपको दिख रहा होगा। हाँ। जो दो बे या दो छत जो वो कूलिंग टावर्स हैं उनके वैसे चिमनीज के पीछे जो आपको दिख रहा है। हाँ। वहीं पे बना है ये टरबाइन। ये यहीं बनता है? ये यहीं मैन्युफैक्चर्ड है? ये यहाँ पे असेंबल किया गया है। अच्छा जी, टावर सेगमेंट जो थे वो भी मैन्युफैक्चर होकर आए थे। हाँ। टावर भी ऐसे 5 सेक्शन में आपको दिखेगा ऐसे, कि एक
थोड़ी सी एक बारीक सी लाइन आपको दिख रही होगी। हाँ। तो ये टावर भी जो था वो 5 सेक्शन में था। हाँ। 5 सेक्शन में इस टावर को खड़ा किया गया था। हाँ। फिर जो नेसल जो आपने बक्सा कहा था। हाँ। उस बक्से को भी ऐसे ही उठाया गया था और हाँ। ब्लेड्स को भी फिर ऐसे ही लगाया गया था। कैसे ले जाते हैं इतना इतना भारी भारी सामान, ये लगेगा कैसे ऊपर? उसके लिए दूसरे लिफ्टिंग अरेंजमेंट्स थे जो इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग के टाइम पे यहाँ पे लाए गए थे, वो फिलहाल तो अभी चले गए हैं क्योंकि ये क्रेन होती हैं बड़ी। जी जी जरूर, क्रेन होती हैं काफ़ी बड़ी। अच्छा। जिनकी कैपेसिटी रहती हैं 100 टन की, क्योंकि जो हमारा नेसल है जब वो लिफ्ट किया गया था तब उसका वजन 90 से 95 टन था। 95 टन? जी हाँ। नेसल जी जो बक्सा आप देख रहे हैं वो जो सिर्फ बॉक्स लगा हुआ है, वो बॉक्स का सिर्फ वजन उतना नहीं है एक्चुअली, क्योंकि वो बॉक्स जब था तब वो ऐसे 2 टुकड़ों में था ऐसे अगर आप देखेंगे तो। तो जब वो पहले ले जाते हैं तो उसको सिर्फ निचले भाग को लेकर जाते हैं और बाद में जो उसका टॉप का कवर है उससे कवर कर देते हैं। तो जो निचला भाग था जिसमें जनरेटर था, जिसमें अपना एक यॉ सिस्टम भी था, यॉ सिस्टम जो होता है उसका एक्चुअली दूसरा मैकेनिज्म रहता है कि जो हवा का बहाव है उसको हमेशा बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सके, क्योंकि जो हवा का बहाव है वो हमेशा एक दिशा में नहीं होता है, वो भी बदलता रहता है। तो हमारी टरबाइन भी आप अगर 1-2 मिनट भी कभी रुक जाएं हाई विंड सीज़न में या फिर अभी भी 10-15 मिनट, तो आप देखेंगे कि जो ब्लेड अभी ऐसे घूम रहा है वो ऐसे भी घूमने लगा है, क्योंकि टरबाइन हमारी घूम चुकी है। ये जो बस आप देख रहे, बस जैसा स्ट्रक्चर है या बक्सा है, ये बक्सा ऐसे था, ये ऐसे घूम जाएगा। ये घूम जाएगा? जी हाँ, ये जो आप अभी देख रहे हैं ये ऐसे घूम जाएगा। और ये पंखी एक ही दिशा में चलती है या फिर घूमती रहती है? पंक्षी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलती है? क्लॉकवाइज चलती है। वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कोई एक ही मोशन रहता है जनरली। अच्छा। लेकिन जो ब्लेड जो रहता है वो ज़्यादातर ऐसे टिल्ट होता है। ओके। वो ज़्यादा ऐसे डायरेक्शन चेंज नहीं होते, वो ऐसे बस टिल्ट होता है, वो हवा के स्पीड के कारण, कि अगर स्पीड अभी ऐसी है तो ऐसी रहेगी, लेकिन अगर स्पीड ऐसे चेंज हो रही है तो वो ब्लेड थोड़ी ऐसी चेंज हो जाएगी। तो ये जो है आप जैसे, मैं दिलचस्प बड़ा, ये अपने आप में बड़ा रोचक है देखना, करीब से जानना समझना। तो ये भाई साहब बता रहे हैं कि ये इसके अंदर ये दरवाज़ा खुलता है और लिफ्ट लगा हुआ, इससे ये ऊपर जाते हैं। और ये जो बड़े बड़े बड़ा सा ये देख रहे हैं आप, ये अलग अलग असेंबल करके इसको जोड़ा गया है। और ये जो बॉक्स आप बता रहे हैं जी, ये बॉक्स उसकी बिजली को कन्वर्ट करता है, काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अच्छा। फिर वो तार अंदर ही अंदर लगे हुए हैं जी, तार के जरिए जो है वो बिजली कहाँ जाती है? इस ट्रांसफार्मर में जी, ट्रांसफार्मर के थ्रू फिर ट्रांसमिशन लाइन्स में, ताकि फिर जिस हिसाब से यहाँ से अगला सबस्टेशन होगा उस हिसाब से उसको स्टेप अप करते हैं, कि अगर 66 kV की लाइन है तो उसे उस वोल्टेज पे लेके जाएंगे, अगर उससे कम का वोल्टेज है तो उससे कम पे स्टेप अप करेंगे। तो इसको इसका तार कहाँ पे है? ये तो यहाँ पे बिजली आ गई उससे बन करके जी, फिर यहाँ से कैसे तार के ज़रिए ले जाते हैं? वो भी अंडरग्राउंड है क्या? जी हाँ, वो भी अंडरग्राउंड है, ये अभी ओवरहेड नहीं है। अच्छा जी। तो ऐसे जो बाकी विंडमिल लगे हैं उसका भी सिस्टम ऐसे ही होता है ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ पे भी एक सबस्टेशन तो होता ही है। हाँ। मेन सबस्टेशन जहाँ से फिर वो ट्रांसमिशन टावर्स के थ्रू जाते हैं। जो बड़ी बड़ी साइट होती हैं वहाँ पे तो जो पावर फ्लो रहता है वो तो ओवरहेड ही रहता है। यहाँ पे हमारी ये पहली टरबाइन है तो ये दूसरी सबस्टेशन में जा रही है, तो इसलिए ये अंडरग्राउंड। आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कैसे बिजली बनती है इससे। तो ये जो है हर जगह लगता है विंडमिल, या अभी कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है इसको? ये उस इसका भी सबसे पहले एनालिसिस किया जाता है। हाँ। कि किस जगह पे विंड का जो फ्लो रहा है उसे एनालाइज करते हैं। हाँ। कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि यहाँ पे हवा कैसी मिलती है। अच्छा। तो उस हिसाब से साइट का सिलेक्शन किया जाता है। हाँ। उस साइट के सिलेक्शन के बाद ही एक डिसाइड किया जाता है कि हाँ यहाँ पे हम इतनी टरबाइन लगाएंगे या फिर नहीं लगाएंगे। अच्छा। तो इस तरीके से पूरा ये अभी आपने पूरा प्रोसेस समझा कि किस तरीके से बिजली बनती है। ये पंखा है, मतलब ये बहुत ह्यूज है, मेरे लिए भी बहुत ये आश्चर्यजनक है। मेरे साथ अमितेश हैं, उनके लिए भी बड़ा रोमांचकारी है इस तरीके से देखना कि
जितना ये दिखता है उससे कहीं ज़्यादा बड़ा होता है, और एक तरीके से ये किस तरीके से बिजली बना रहा है वो भी आप अभी इंजीनियर थे वो आपको समझा रहे थे बेहतर तरीके से। तो ये बड़ा दिलचस्प, अभी यहाँ पे आवाज़ सुनाई दे रही है, साए साए से, एक तरीके से अजीब सी आवाज़ है जो आती है। ये पंखा पूरी तरीके से चलता है, नुकीले ब्लेड हैं इसके, मतलब अगर इससे कोई पक्षी वक्षी टकरा जाए तो उसको नुकसान होगा इससे। और ये अलग ही एरिया में है, यहाँ से थोड़ी ही दूर पे समंदर आ जाएगा, कच्छ की खाड़ी आ जाएगी। तो ये वीडियो हमें ये बड़ा रोचक लगा, मुझे लगा कि आपको ज़रूर बताना चाहिए कि ये सिस्टम जो आप फिल्मों में देखते हैं या फिर कहीं सीनरी में शॉट नज़र आते हैं, ये विंडमिल काम कैसे करता है, बिजली कैसे बनाता है। तो हमें लगता है कि आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ललन टॉप का ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। कैमरे के पीछे मेरे साथ अमितेश हैं और मैं अभिनव पांडे। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए।